हे गाइज हॉर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू लेसन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा चलो मुझे फर्स्ट टाइम से के लिए बता दूँ दोस्तों इस चैनल पर आपको जी के वीडियोज़ मिलते हैं इस पर आपको स्पोकन इंग्लिश के वीडियोज़ मिलते हैं तो अगर आपको इनमें से किसी भी वीडियोज़ की नीड है या आपके कोई फ्रेंड है जिसको नीड है तो आप उसके संग चैनल को शेयर कर सकते हैं चलिए जानते हैं कुछ बेसिक बातें इसके बारे में सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है दूसरा है नेशनल पार्क क्या होते हैं और तीसरा होता है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होती है अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता हूँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इज़ एन एरिया विच इज़ फ्री फ्रॉम द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी यानी काफी हद तक ह्यूमन एक्टिविटी इसमें नहीं होती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंड इट इज डिवोटेड फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर हुआ एलिफेंट हुआ इनके प्रोटेक्शन के लिए इनके कंजर्वेशन के लिए इसको बनाया जाता है तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी हद तक कम होती है ऑन द अदर हैंड इफ वी कंपेयर दिस विद द नेशनल पार्क तो नेशनल पार्क आर दोज एरियाज वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड देखिए यहाँ तो फिर भी काफ़ी हद तक कम होती है ह्यूमन एक्टिविटी लेकिन नेशनल पार्क में हाइएस्ट प्रोटेक्शन होता है यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड ही नहीं होती है सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नेशनल पार्क इसमें कम होती है और यहाँ पर अलाउ ही नहीं होती है तो ये बात आपको याद रखनी है ऑन द अदर हैंड बायोस्फेयर रिजर्व में क्या होता है बायोस्फेयर रिजर्व इज एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अ लॉ इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ द इको सिस्टम देखिए बायोस्फेयर रिजर्व एक बड़ा एरिया होता है ये लैंड का एरिया भी हो सकता है ये वाटर का एरिया भी हो सकता है और ये पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व करता है जैसे मान लीजिए किसी कोई लेक है उसको उसके आसपास का एरिया बना दिया कोई माउंटेन के आसपास का एरिया बना दिया तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है दे आर अंडर द जोरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है जैसे कि यूपी पी और हमारा उत्तराखंड उड़ीसा इनके इनके जुरस्टिक्शन के अंडर हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है लेकिन जो नेशनल पार्क्स आते हैं वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरस्टिक्शन के अंडर दोस्तों ये बात याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के, के अंडर आते हैं और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं अब बायोस्फर रिजर्व किसके अंडर आती है बायोस्फर रिजर्व जो होती है दोस्तों ये यूनेस्को क्रिएट करता है और यूनेस्को इसकी वॉचलिस्ट अपने पास रखता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि अभी इंडिया में करेंटली कितने बायोस्फर रिजर्व है कितने बायोस्फर रिजर्व इंडिया में अभी है विच आर गिवन बाय द यूनेस्को कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पहला एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु ऐसी काफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसम काजीरंगा का नेशनल पार्क जो है आसम का वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है बायोस्फेर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व जो है वो आपका वायोस्फेर रिजर्व है तो आप बाकी और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क देख सकते हैं लगभग एक के आसपास हमारे नेशनल पार्क हैं राइट तो आप देखिएगा सर्च करिएगा इसके बारे में दोस्तों दोस्तों ये था बेसिक डिफरेंस अबाउट और अमंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क एंड बायोस्फेर रिजर्व दोस्तों अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का कंटेंट जी का कंटेंट स्टैटिक जी जो आपकी रहती है करंट अफेयर जो आप करता है वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाता है सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर